प्रदेश के महोबा जनपद में एक पिता न्याय की तलाश में दर दर भटक रहा है। शहर के आरआरसी होटल में बेटी की परीक्षा कार्यक्रम के दौरान 12 लाख की बड़ी रकम चोरी हो गई थी, जिसकी सूचना शहर कोतवाली में देने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जल्द खुलासा किए जाने का आश्वासन दिया। उसके बावजूद कई महीने गुजर जाने के बाद भी चोरी का खुलासा करने में पुलिस अब तक नाकाम साबित हुई है। पीड़ित पिता शिवराम सेन की अगर माने तो उन्हें अब तक सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। कई बार आला अफसरों से मुलाकात करने के बावजूद भी चोर अभी तक पुलिस की पहुंच से काफी दूर है। एक तरफ पुलिस जहां अपराधियों पर नकेल कसने की बात करती है, वहीं घटना को 8 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अब भला ऐसी सूरत में पुलिस की कार्यवाही पर कैसे और किस तरह भरोसा रखा जाए। घटना सदर कोतवाली महोबा के आरआरसी होटल की है, जहां 8 महीने पहले शिवराम सेन निवासी आलमपुरा की बेटी आकांक्षा की परीक्षा कार्यक्रम का आयोजन मुख्यालय के आरआरसी होटल से किया गया था। परीक्षा कार्यक्रम के दौरान 12 लाख की रकम से भरा बैग चोरी हो गया था, जिसकी सूचना आनंद फानन में शहर कोतवाली पुलिस ने खाना पूर्ति कर मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन 8 महीने गुजर जाने के बाद पुलिस की कार्यवाही किसी ठोस अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है। बेबस पिता न्याय की तलाश में पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। एसपी कार्यालय पहुंचे शिवराम सेन की अगर माने तो पुलिस द्वारा अब उसके साथ महज मजाक किया जा रहा है। कार्यवाही के नाम पर पुलिस के हाथ अगर कुछ लगा है तो वो है सिर्फ नाकामी। नाम शिवराम है सर। क्या मामला हो गया? मैं लड़की की फलदान करने के लिए आरसी होटल में मेरी चोरी हो गई है, तो 12 लाख का बैग मेरा भरा हुआ चोर ले गया है। थोड़ा सा मैं अपने कार्यक्रम में बिजी हो गया, चोर ले गया। मेरी एफआईआर लॉन्च किया हुआ, मैं इससे परेशान हूँ, मेरा पैसा चला गया। मुझे लड़की की शादी करना है, शादी जैसे तैसे मैंने कर दी है शादी, तो मुझे आज कर्जा वालों को पैसा देना है। अब मैं इससे परेशान हूँ मैं, और पुलिस के पास आता हूँ तो पुलिस बार बार कहती है आपका काम हो रहा है और काम हुआ नहीं है कुछ। ये चोरी की घटना जो कब हुई थी? 12 अक्टूबर सर 21। कितने आरसी होटल में? 8 महीना करीब हो गया सर। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है साहब, क्या मुझे यही कह देते कि सब हो रहा है, आपका काम हो रहा है और हुआ कुछ नहीं है। आज आप मैडम के पास आए? मैं मैडम के पास गया था। मैडम से मतलब भूल भी जाता सुबह, लोग कह रहे आप संज्ञान है, ये मुझे थोड़ी टाइम लग रहा है जी, तो आप इंस्पेक्टर साहब से मिल जाकर। इस मामले को लेकर कहीं उच्च अधिकारियों से आपने बात की? मैंने डीआईजी सबके यहाँ गया हूँ, सबके यहाँ मैंने सबके यहाँ दिया है, मुख्यमंत्री को बहुत सबके यहाँ दिया है, सब जगह बोलूँ सब। क्या लग रहा है, न्याय की उम्मीद दिख रही है आपको? मुझे तो सब है, जब मुझे सब सामने आया तब मुझे समझा कि मुझे न्याय हो रहा है, तो मुझे कुछ नहीं हो तो मैं क्या बताऊँ सब कुछ हो रहा है, मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है मेरा। लेकिन मुझे सब मिल जाए तब तो सब समझू गया, मुझे कुछ आके देख रहे मुझे कुछ हो नहीं, क्या करूँ, कुछ मिले समझ में आवे कि जो कुछ हो रहा है मेरा, तो मैं समझूँगी साहब मेरा काम पुलिस बहुत कर रही, सब कुछ मदद कर रहा है, मेरी कोई मदद ही नहीं हो रही।